नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं YouTube की A to Z सेटिंग्स। अगर आप YouTube का यूज़ करते हैं, YouTube ऐप का यूज़ करते हैं, तो आज हम YouTube ऐप की A to Z सेटिंग्स बताने वाले हैं, ताकि हमें YouTube को यूज़ करने में भी आसानी हो और YouTube पर कौन सी चीज़ काम की है, क्या किस काम का है, वह भी हम जान पाएं। इसीलिए आप हमारी ये वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखें। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बट अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज मैं आपसे विशेषकर हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले आपको अगर YouTube के A to Z सेटिंग जाननी है, तो आपको YouTube का जो एप्लीकेशन होता है, YouTube एप्लीकेशन को आपको ओपन करना होगा। YouTube एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद दोस्तों, यहां पर हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है, जो आपको जाना है, जहां पर भी आपका लोगो हो, आपको अपने लोगो पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहां पर आपका जो भी चैनल है वो आपको यहां पर मिल जाएगा, उसको चेंजेस करना चाहे तो कर सकते हैं। यहां से आप अपने जो चैनल है उस चैनल को देख सकते हैं, किस टाइप का दिख रहा है वो आप यहां से देख पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे सामने आ जाता है, यहां आता है इनकॉग्निटो मोड। टर्न ऑन इनकॉग्निटो मोड के अंदर आपको इनकॉग्निटो मोड को ऐड कर सकते हैं, ताकि इन केस आपको कुछ भी देखना हो तो वो आपको इनकॉग्निटो मोड में यहां पर शो होगा। इसके साथ यहाँ पर एड अकाउंट की फैसिलिटीज हमें देखने को मिल जाती है, कुछ भी अकाउंट अगर आपको एड करना है तो एड अकाउंट की फैसिलिटीज देखने को मिल जाती है। यहाँ पर गेट यूट्यूब प्रीमियम की फैसिलिटीज आपको देखने को मिल जाती है। नीचे की ओर आपके सामने एक और ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, प्राइस एंड मेंबरशिप का। इसके बाद में यहाँ पर हमें वॉच, टाइम वॉच, आपने क्या क्या वॉच करा, कितना टाइम वॉच करा, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। योर डेटा इन यूट्यूब के अंदर आपने YouTube पर क्या क्या सर्च करा, वो आपका डेटाज आपको यहां पर शो होगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे सामने YouTube की सेटिंग्स आ जाती है, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। यहां पर YouTube का हेल्प एंड फीडबैक आपको देखने को मिल जाता है। चलिए अब हम चलते हैं YouTube की सेटिंग्स, क्योंकि हमें YouTube की ऑल सेटिंग्स जाननी है, तो YouTube की सेटिंग्स पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नंबर वन पर ऑप्शन जो हमारे पास आता है, ये जनरल सेटिंग्स हमें यहां पर देखने को मिलती है। जनरल सेटिंग्स के अंदर हम क्लिक करते हैं, तो यहां रिमाइंड यानी ब्रेक, अगर आप रिमाइंडर का ब्रेक ऐड करना चाहते हैं, ब्रेक टाइम ऐड करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। यहां से इसकी थीम को चेंजेस करना चाहते हैं, भाई डार्क थीम, लाइट थीम, कैसी थीम आए वो आप कर सकते हैं। यहां पर प्ले बैक एंड फीड को ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। इसके बाद में यहां से डबल टैप टू स्पीक को आप बढ़ा सकते हैं, जैसे 10 सेकंड बढ़ रहा है उसको 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, जितना भी करना चाहे वो कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे सामने आता है जूम टू फुल स्क्रीन। अगर आपको किसी वीडियो को फुल स्क्रीन के अंदर देखना है, तो जूम टू फुल स्क्रीन पर आप क्लिक करेंगे। अपलोडेड पर अगर आप चलते हैं, तो यहां से आपको अपलोडेड सेट कर सकते हैं कि आपको किस नेटवर्क के जरिए अपलोड करना है। यहां पर जैसे कि हमें यूट्यूब एनी नेटवर्क से अपलोड करना है, केवल वाईफाई से करना है, वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। या नीचे ऑप्शन आ जाता है लोकेशन का, आप यहां से इंडिया, अफ्रीका, अमेरिका जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्टेड मोड को ऐड करना चाहे तो वो आप कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन हम बैक निकल जाते हैं, डेटा सेवर ऑप्शन आ जाता है। डेटा सेवर के अंदर अगर आप डेटा सेवर वाली फैसिलिटीज को ऑन करते हैं, तो आपकी वीडियोज आपको हाई क्वालिटी में नहीं दिखेगी, लेकिन आपका डेटा सेव होने में भी बचत होगी, तो इस ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। ऑटो प्ले की फैसिलिटीज, जब भी आप कुछ यूट्यूब पर प्ले करते हैं तो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाता है, तो यहां पर आपको ऑटो प्ले की फैसिलिटीज देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे सामने यहां पर आता है दोस्तों, वो वीडियो की क्वालिटी परफॉर्मेंस, यहां से आप वीडियो की क्या क्वालिटी रखनी है। अगर आपको वीडियो की कम क्वालिटी रखनी है, हाई क्वालिटी रखनी है, जैसे रिकमेंडेड को सेलेक्ट करना है, या फिर डेटा सेवर को सेलेक्ट करना है, हाई क्वालिटी को सेलेक्ट करना है, केवल वाईफाई से ही ये हाई क्वालिटी आए, वो आप एडजस्ट यहां से कर पाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन हमारे सामने डाउनलोड्स का जाता है। अब यहां पर भी आप कर सकते हैं कि डाउनलोडिंग करना है अगर आपको, तो हाई क्वालिटी डाउनलोड वाईफाई से ही हो, या अदर चीज से डाउनलोड हो जाए, एसडी कार्ड में शो हो, या इंटरनल स्टोरेज में शो हो, वह फैसिलिटीज आप यहां से एडजस्ट कर पाएंगे। इसके बाद में वॉच ऑन टीवी की फैसिलिटीज देखने को मिल जाती है। यहां से कोड आएगा आपकी टीवी के अंदर, वो कोड आपको इसमें एंटर करना है मोबाइल में, फिर आप जो भी मोबाइल में वॉच करेंगे डायरेक्टली वो आपकी टीवी में चलने लग जाएगा, जैसे क्रोमकास्ट होती है उस टाइप की फैसिलिटीज आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे सामने आ जाता है स्ट्रेन प्राइवेसी का।
हिस्ट्री एंड प्राइवेसी को मैंने डिटेल में इससे पिछले वाले वीडियो में आपको बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। हिस्ट्री एंड प्राइवेसी के अंदर आप अपनी हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, हिस्ट्री सर्च हिस्ट्री को रिमूव कर सकते हैं, साथ ही आप अपनी हिस्ट्री को पोज कर सकते हैं। वो फैसिलिटीज आपको यहां पर देखने को मिलती है। ट्राई एंड न्यू फीचर्स, यूट्यूब जब भी अपने नए फीचर्स लाते हैं जो बीटा वर्जन में आते हैं, क्या आप न्यू फीचर्स को ट्राई करना चाहते हैं तो इसे एक्टिवेट करने के लिए आप यहां पर एक्टिवेट कर सकते हैं। प्राइस एंड मेंबरशिप, अगर आपने यूट्यूब पर कोई भी चैनल को प्राइस को परचेज कर रखा है, मेंबरशिप सेलेक्ट कर रखी है, तो वो आपको यहां पर देखने को मिलती है। नीचे जो ऑप्शन हमें यहां पर देखने को मिल जाता है बिलिंग एंड पेमेंट्स का, यहां पर अगर आपने बिलिंग एंड पेमेंट्स फैसिलिटीज के माध्यम से कुछ भी बिल आते हैं, अगर आपने पेमेंट सेलेक्ट कर रखी है, वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे की ओर जो फंक्शन हमारे सामने जाता है वो नोटिफिकेशन का आ जाता है, यहां से आप अपने नोटिफिकेशन को चेंजेस कर सकते हैं कि कौन से नोटिफिकेशन आने चाहिए, नए अपकमिंग चैनल के नोटिफिकेशन आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे सामने जाता है कनेक्टिंग टू ऐप, अगर आपने YouTube को किसी अदर ऐप से कनेक्ट कर रखा है तो वो आप यहां पर देख पाएंगे। लाइव चैट के फैसिलिटीज के अंदर लाइव चैट का आप आनंद ले पाएंगे, अगर आप लाइव चैट में किस टाइप का आना चाहिए वो एरिया यहां पर दिखेगा। कैप्शन, अगर आपकी वीडियो के अंदर कैप्शन शो हो ना हो वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी के अंदर आप इसके एक्सेसिबिलिटी को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक्सेसिबिलिटी के अंदर ये प्लेयर वाला फैसिलिटीज आ जाती है जो आपको दिख रही है। अबाउट के अंदर यूट्यूब की अबाउट सेटिंग्स आपको देखने को मिलती है। तो ये लगभग मैंने 6-7 सेकंड 6-7 मिनट के अंदर यूट्यूब की कंप्लीट ए टू जेड सेटिंग्स आपको बताई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही नई से नई नॉलेजेबल वीडियोज के लिए, ज्ञानवर्धक वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का प्रेम पूर्वक दिल से हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।